एक साल बाद मैं अपने कॉलेज जा रहा हूँ। एक साल से ज़्यादा टाइम हो गया। एक साल पिछले साल मार्च में मैं कॉलेज गया था 2020 में। अभी जो है अप्रैल चल रहा है, तो आप देख ही सकते हो एक साल एक महीने से ज़्यादा हो चुके हैं कॉलेज गए हुए। तो चलो आपको कॉलेज दिखाता हूँ कि मेरा कॉलेज कैसा है, क्या है, एक साल बाद कुछ चेंजेस आए हैं कि नहीं आए हैं। ठीक है, देख सकते हो ये है हमारा कॉलेज। बहुत दिन हो गया था आए हुए यार, एक साल से ऊपर हो गया है। कॉलेज के अंदर एंट्री मारेंगे हम लोग। ये आप देख सकते हो, ये है अपना कॉलेज UEM कोलकाता, IEM कोलकाता। ये एरिया है जहाँ पे हम लोग यार टिफिन टाइम आया करते थे, बैठते थे, लंच करते थे फर्स्ट ईयर में। अभी तो मैं सेकंड ईयर में आ गया हूँ, लेकिन इतने दिन बाद कॉलेज आके थोड़ा सा अजीब फीलिंग आ रहा है। इधर से ही हम लोग जाते थे, ये आप देख रहे हो, उधर से ही हमारा ये इसी बिल्डिंग में क्लास करता था, इधर से ही जाया करते थे हम लोग। अभी सब कुछ बंद है, कोई स्टूडेंट नहीं है, कॉलेज को एकदम खाली खाली देखना बहुत अजीब लग रहा है। ठीक है कोई स्टूडेंट नहीं है, कॉलेज पूरा आपको मेन टाइम में पूरा भरा रहता था, ये सब जो गैलरी है वो पूरा भरा रहता था। ठीक है ना, इधर ही हम लोग का क्लासेस लगता था। ये हमारे क्लासरूम्स, शायद मैं अंदर से जाके दिखा पाता आप लोगों को, अगर मौका मिलता है तो जाते हैं अंदर भी देखते हैं। ठीक है ना, बैडमिंटन फील्ड है, वहाँ पे फुटबॉल खेलते थे, या फिर वॉलीबॉल, या फिर कबड्डी चलता था। आप लोग देख लो, ये हम लोग मैकेनिकल वर्कशॉप, इसी के अंदर हमने मैकेनिकल वर्कशॉप्स बहुत सारे अटेंड किए हैं। हम लोग कॉलेज के अंदर घुस रहे हैं, ये देख लो इस तरह का माहौल है। अभी ऐसे हमारे क्लास में रहते थे B3, तो मेरा क्लास नहीं है, हम लोग क्लासरूम में ऐसा ही होता है। ये B.Tech फोर्थ ईयर का है, सिविल इंजीनियर्स का। ठीक है, ऐसे बोर्ड रहता है, बोर्ड लगा रहता है, तो इस तरह कुछ हमारा भी क्लासरूम रहता है। ये देखो पूरा खाली है, अभी आदमी दिख ही नहीं रहा यार, स्टूडेंट्स तो है ही नहीं, टीचर्स भी बहुत कम है अभी। आई विश मैं आपको और दिखा पाता, लेकिन कम टाइम की वजह से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। उधर लाइब्रेरी है, ये माय क्लास है। उधर आ गए, यहाँ पे खाने के लिए हम लोग को मिलता था दिन में, और टाइम यहीं पे खाते थे। हमारी लाइब्रेरी है पीछे एकदम, जो कि अभी बंद है। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है यार यहाँ पे, ये समझो कि आप ऑलमोस्ट सारे बुक्स आपको इस लाइब्रेरी में मिल जाते हैं। ठीक है, हम लोग यहीं पे आते थे बहुत टाइम, हमने लाइब्रेरी में साथ हम लोग फ्रेंड्स लोगों ने गुजारा है। ठीक है, वो भी बंद है एक्चुअली, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन अगर होता तो मैं ज़रूर आपको दिखाता। काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है, हमने फर्स्ट ईयर अपना इस कॉलेज में बिताया है, तो हमें पता भी नहीं था लॉकडाउन लग जाएगा, हम सेकेंड ईयर ऑनलाइन करेंगे। ठीक है, तो कॉलेज को यार बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अभी, बहुत ज़्यादा। ऑफलाइन क्लासेस को हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं, सारे फ्रेंड्स लोग हमारे जितने भी हैं सब लोग मिस कर रहे होंगे, मैं जानता हूँ। बहुत अच्छी यादें हैं यार, अभी फर्स्ट ईयर में बहुत टाइम स्पेंड किया है यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारी मस्ती की है फ्रेंड्स लोगों के साथ, बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, ऑर्गेनाइज करवाया है, तो काफ़ी अच्छा फीलिंग था फर्स्ट ईयर में, जो कि सेकेंड ईयर में पॉसिबल नहीं हो पाया कोविड को लेके, कोरोना वायरस को लेके। ठीक है, तो आप लोग जहाँ कहीं भी हो इंजॉय करो हमारे कॉलेज लाइफ को ऑनलाइन, अगर कर सकते हो तो, वरना कभी मौका लगे तो यार कॉलेज घूमने जरूर आओ। ठीक है, याद से।
कॉलेज घूमने आया करूँ, ठीक है ना? जरूर।